हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए आम के अचार की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिल्कुल सही समय है आम के अचार को बनाने का। इस वक्त जून की 2 तारीख हो चुकी है फ्रेंड्स, और एक हल्की सी बारिश भी गिर चुकी है, तो आम की जो जाली है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। इस समय आम रखने से फ़ायदा ये होता है आम के अचार रखने से कि ये जल्दी गलता नहीं है और थोड़ा सा करकरा सा बना रहता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर आगे की रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर हमने देशी आम ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है और इसको सुखा लिया है। सुखाने से मतलब है कि इसमें पानी का अंश नहीं रहे। जब आम अच्छे से सूख जाएगा तो इसकी जो ऊपर की चोपी है इसको हम निकाल देते हैं और इसको सरौते की सहायता से मनचाहे आकार में हम इसको काट लेते हैं। इसके बाद इन कटे हुए आम के पीस को एक सूती कपड़े पर धूप में 15 से 20 मिनट तक थोड़ा सा मॉइस्चर उड़ जाने तक सुखाना है। बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं डालिए या छाई में, आप इसको आधा घंटा तक ही सुखा लीजिए। बहुत ज़्यादा सूखने से आम जो है सूख के कड़ा कड़ा हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ही इसको धूप में डालें। तो चलिए हम इसको सुखा लेते हैं। तो देखिए हमारा आम का जो पीसेस हैं वो अच्छे से सूख गए हैं। हमने इनको आधा घंटा हल्की धूप हल्की छाँव में डाला था, और इसमें हम 4 से 5 बड़ी चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर लगाकर इसको रात भर छोड़ दीजिए, या 7 से 8 घंटे तक इसको कवर करके छोड़ दीजिए, जिससे कि इसमें जो आम का मॉइस्चर है पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो देखिए हमने हल्दी और नमक डाल दिया है और इसको जो है कवर करके 7 से 8 घंटे तक इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम आम के अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच काली वाली सरसों ली है, और इनको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा जो है केवल मॉइस्चर मसालों का दूर करना है, कुछ भूनना नहीं है। और इसके साथ ही हमने आधा कटोरी पीली वाली सरसों ली है, और इसको जो है बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सा सेक लेना है, जिससे कि यदि इसमें थोड़ी बहुत नमी हो तो वो निकल जाए और हमारा अचार सालों साल अच्छे से चलता रहे। तो एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मेथी दाने को भी रोस्ट कर लेते हैं। मेथी दाने को थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। अगर कम रोस्ट करेंगे तो अचार में कड़वा सा स्वाद आएगा। 1 चम्मच मेथी दाना को भी रोस्ट कर लिया है, और लगभग आधा कटोरी हमने मोटी वाली सौंफ ली है और उसको भी हमने रोस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारी सौंफ भी रोस्ट हो गई है, बड़ी अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर सौंफ थोड़ी ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सौंफ का फ्लेवर मुझे अचार में बेसिकली बहुत पसंद है। तो जो ये मसाला जो हमने रोस्ट किया है इनको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके रख लेना है। अब एक पैन में सरसों का तेल लेना है, और फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है। गर्म ऐसे करना है कि इसमें धुआं आने लगे, इस तरीके से गर्म करना है, और फिर इसको ऑफ कर देना है गैस की फ्लेम को। और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल इन द सेंस कि तेज़ नहीं बहुत रहे और बहुत ठंडा भी नहीं रहे, तब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हींग डालेंगे। तो हींग की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, या हींग की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कैसे हींग आप यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच हमने कलौंजी डाली है, और कलर के लिए हमने यहाँ पर रतन जूट डाला है। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर अजवाइन डाली है, अजवाइन का भी फ्लेवर मुझे आम के अचार में बहुत पसंद है। तो ये सारे खड़े मसाले हो गए। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर हल्दी डालनी है। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, तो 4 से 5 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें। ये दोनों चीज़ें आप अपनी स्वाद के अनुसार डालिए। अब कोर्सली ग्राइंड जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि नमक हमने पहले भी लगाया था, तो नमक तो थोड़ा बहुत बाद में भी ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा नमक अभी यूज़ ना करें और सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, सौंफ जो है थोड़ी हम खड़ी भी यहाँ पर डालेंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच सौंफ भी दोबारा से लिए। अच्छा, आम के अचार के लिए जो हमने आम लिया था वो लगभग 2 किलो है, तो उसी के हिसाब से ये मसाला तैयार हुआ है। तो यदि आपके पास आम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो लीजिए ये आम के अचार का मसाला हमारा तैयार है। देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आया है। तो ओवरनाइट रखने के बाद जो है ये आम अब तैयार हो गया है, और देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। तो चलिए इस आम को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। बहुत से लोग फ्रेंड्स ये मसाले में मिला भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि अचार गल जल्दी जाता है, तो मैं ये पानी जो हो वो निकाल देती हूँ। तो देखिए मसाला तैयार है, तो सभी सामग्रियों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है
और नमक वगैरह चेक कर लीजिए। अभी आप इसको खुले बर्तन में 2 से 3 दिन तक धूप दिखा लीजिए कवर करके। अभी डिब्बे में इसलिए मत भरिए क्योंकि जब आम का जो खटास है वो छूटती है तो नमक कम या ज़्यादा लग सकता है, तो आप इसमें अच्छे से नमक दोबारा से मिला सकते हैं, या कोई भी फ्लेवर या कम है तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। डिब्बे में फिर दोबारा से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इनको कवर करके 2 से 3 दिन तक धूप में दिखा लेते हैं। धूप पूरे पूरे दिन धूप में रखने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दिखा लीजिए, बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा। और उसके बाद 3 से 4 दिन जब हो जाएंगे तब नमक दोबारा चेक करके हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने ऐड कर दिया है और बस इसको कवर करके अब हमको इसको धूप में दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आज 2 से 3 दिन हमने इसको धूप में दिखाया है और ये कुछ इस तरीके का हो गया है। तो हल्का सा तेल में हमने हींग और नमक और डाला है और तेल को तेज गरम करके और अच्छे से ठंडा कर लिया है और उसमें हींग और नमक मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसको डिब्बे में भर लेते हैं। तो नमक थोड़ा कम था तो हमने नमक और ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं। नमक की मात्रा अच्छे से रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नमक अचार में प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो लीजिए, मैंने इस डिब्बे में अचार भर लिया है और इसमें जो हींग और नमक वाला तेल था वो पूरी तरीके से ऊपर तक भर दिया है। अचार जो है डूबा रहना चाहिए तेल से। और इसके बाद दूसरे डिब्बे को भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है और बस 1-2 दिन धूप में और दिखा के इसको आप बस यूज़ करना शुरू करिए। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मॉइस्चर से थोड़ा दूर रखिएगा, पानी वाले हाथ मत डालिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।